हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज देखिए मैं 108 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और इनको रुद्री भी बोला जाता है, इसलिए इनका रुद्र अभिषेक भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोई भी पूजा करने से पहले दीपक जला लेते हैं, ठीक है। तो दीपक को आसन देना ज़रूरी होता है, तो आप किसी बर्तन में किसी अक्षत पर, मतलब नीचे चावल डालकर, मैंने पुष्प की पंखुड़ियाँ डालकर दीप को प्रज्वलित कर लिया है। अब यहाँ पे हवा लग रही थी इसलिए मैंने अच्छे से, मतलब रोक के हवा अच्छे से प्रज्वलित कर लिया। अब दीपक का पूजन करना है, और जब हम शिव जी का अभिषेक करें तब हमें गौरी गणेश का भी पूजन करना होता है। तो मैंने यहाँ पर गौरी गणेश की मूर्ति रख ली है, अगर आप चाहें तो सुपारी कलावा, मतलब सुपारी पर लगा के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 बार इन, मतलब गौरी गणेश पर जल दिया है, तो इस तरह से कि हाथ धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, इस तरह से स्नान कराते हैं, इस तरह से। फिर मैंने इनको चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, गौरी मैया को सिंदूर चढ़ा दिया। फिर हाथ में बेलपात्र और अक्षत लेकर मैंने थोड़ा सा संकल्प कर लिया था, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले संकल्प करते हैं। फिर शुद्ध जल चढ़ा दिया है, और मैंने बेलपाती रख ली थी सभी शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट हम जल नहीं चढ़ाते हैं जो हमारी पार्थिव शिवलिंग होती है, वरना वो खंडित होने का डर होता है इसलिए। और हाँ, मैंने गौरी गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया था, गौरी मैया को कलावा वस्त्र, मतलब वस्त्र की जगह पर इस तरह से इनका पूजन कर दिया था। अब जो मेरी 108 शिवलिंग है उन पर मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ, अच्छे से सभी शिवलिंग का मतलब पूजन करूँगी। फिर मैंने वो बेलपत्री जो थी वो उसको साइड में हटा दिया है, और जल चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद में मैंने टीका अभिषेक किया है, तो अभिषेक मतलब किया था, पहले शुद्ध जल चढ़ाया था, फिर पंचामृत चढ़ाया था, उसके बाद में फिर से शुद्ध जल इस तरह से चढ़ाएंगे कि पंचामृत बिल्कुल भी लगाना रह जाए। फिर मैंने चंदन चढ़ा दिया, भस्म चढ़ा दी, और ये धतूरा चढ़ा दिया, जनेऊ और कलावा। और फिर मैंने ये 51 बेलपत्री थी मेरे पास, तो इन पर मैं राम राम लिखकर बेलपत्री चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास 108 बेल पाती हूँ तो अच्छी बात है। और मैंने जब ये पार्थिव शिवलिंग बनाई थी तो नीचे थाली में मैंने इनको बेलपाती का आसन दे दिया था। अब मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं, समी पत्र चढ़ा दिए हैं, ये भी अगर आपके पास 108 हो तो अच्छी बात है, 108 नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है, और ये धतूरा चढ़ा दिया है, और मेरे पास सफ़ेद पुष्प नहीं थे, अगर आपके पास सफ़ेद वाले फूल हो तो और अच्छी बात है। फिर मैं इनका भोग चढ़ा दूँगी, जो मेरे पास फल थे वो चढ़ा दिए हैं, और ये किसमिस पंचमेवा हो तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और फिर मैंने इत्र भी लगा दिया था, गौरी गणेश को भी शिव जी के लिए, मतलब जनेऊ पे लगा के इत्र लगा दिया था। और ये जो मेवा है इनमें तुलसी जी नहीं डाली जाती है, भोग लगाते हैं, तो मैंने बेलपाती डाल दी है। और गौरी मैया के लिए मैंने सिंगार चढ़ा दिया है, उस पर भी दक्षिणा रख दी है। फिर मैंने आरती कर ली, फिर मैंने अपनी बकाया और पूजा करी थी, जो मैंने चालीसा वगैरह पढ़ा था और शिव स्तुति वगैरह वो। फिर मैंने कपूर से भी आरती कर दी है, कपूर की आरती भी करनी चाहिए भोले बाबा के लिए। और इस तरह से मेरी ये पूजा हो गई है। फिर मैंने क्षमा याचना कर ली है, जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांग ली है। फिर हम लोगों के लिए क्या करना होता है, फिर इनका विसर्जन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारा दीप शांत हो जाए सब कुछ, तो आपके पास कुआं हो, कोई गंगा जी वगैरह हो, वहाँ पर इनका विसर्जन करें, वरना अपने घर पर ही इनका विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये फल वगैरह हैं वो प्रसाद में खा सकते हैं, और जो किसमें से वो भी इस तरह से होगा। बाय गाइस।